नमस्ते दोस्तों, आज क्लेवर ट्रिक्स की बात करेंगे कॉम्पास रीडिंग को लेकर। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घर का वास्तु खुद भी करना चाहते हैं और वास्तु शास्त्री को भी दिखाना चाहते हैं, पर ये समझ नहीं आता। दिशा तो समझ में आती है कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, पर डिग्री कैसे निकाले, आज इसी विषय पर बात करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनको कंपास रिलेटेड कन्फ्यूजन है। छोटी सी बात से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हम समझ सकते हैं कि पूर्व दिशा कौन सी है। जब सूर्य उदय होता है वही हमारा पूर्व दिशा है, उसको फेस करके खड़े हो जाइए। जब आप पूर्व को फेस करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ पड़ेगा, तो ये हो गई नॉर्थ की दिशा। हम लोग नॉर्थ से ही कंपास रीडिंग को इवैल्यूएट करते हैं, आइए जानते हैं वो कैसे करेंगे। वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। इसमें कई बार आपने सुना होगा मैंने ऑटोकैड नक्शे की बात की है और कंपास रीडिंग की। ऑटोकैड नक्शा उम्मीद है आप सबके पास होगा, तो आप सब ने जरूर उसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। आइए मेरा प्रिंट आउट भी दिखाती हूँ आपको। ये ऑटोकैड नक्शा है, इसको और विस्तार से आपको बताऊंगी कि इसमें कंपास रीडिंग कैसे निकालनी है, जिससे कि आप अपने 100 रुपए को 1000 रुपए में कैसे बदलेंगे ये समझेंगे वास्तु करेक्शन के द्वारा। आइए देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैं इसी ऑफिस में बैठी हूँ, ये चेंबर में, यह है डॉक्टर्स चेंबर, मैं इसी जगह बैठी हूँ और इसी का मैंने नक्शा ऑटोकैड बनाया है और इसे प्रिंट किया है। और आप सब जानते होंगे कि ये कंपास है, कंपास आपने पहले भी देखा होगा। इसी कंपास से आज मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बनाया हुआ आपका नक्शा है, इस नक्शे के सेंटर पर आके खड़े हो जाइए, ठीक है। हम लोग इस सेंटर पर जाकर खड़े होंगे। इस सेंटर पर खड़े होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इस कंपास से मेजरमेंट कर सकते हैं डिग्री को। पहले थोड़ा सा इस कंपास के बारे में बताना चाहूंगी आपको। देखिए दर्शकों, ये कंपास है। इस कंपास में आप अगर देखेंगे तो ऊपर की प्लेट घूम सकती है। इसमें तीन चीजें जो ध्यान रखने की है कि ऊपर की प्लेट घूमती है, दूसरी नीचे एक जो आपको कंपास दिख रहा है ये फ्लोट करता है इसमें, तीसरा यहाँ वाटर बैलेंस को देखा जाता है। यहाँ छोटी सी देखिए एक रिंग है, उसके अंदर एक बबल है, तो ये बाहर एक रेड कलर की रिंग है। हमें इस रेड रिंग के अंदर उस बबल को सेंटर पर लाना होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो डिस्क जो बाहर से घूमती है इसको घुमा लें, ये जो रेड मार्किंग आपको दिख रही होगी इस तरफ, इस रेड मार्किंग से मिला दें। अब हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो नॉर्थ दिशा की जो अंदर एक फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की जो मार्किंग है उसको इसके अलाइनमेंट में लाएं। देखिए अगर मैं इसे घुमाती हूँ तो घूम जा रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे कि ये घूम रहा है। अब हम हमारे उसी घर के सेंटर पे जाकर खड़े होंगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना होगा। अब मैं इसी घर के सेंटर पे खड़ी हूँ, तो ये सेंटर एरिया था जो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में पहले दिखाया, उसी सेंटर एरिया पे मैंने इस कंपास को रख लिया इसी पेपर के ऊपर। ये हमारे वॉल के पैरेलल में हमारी ड्राइंग होगी, ठीक है। अब ये जब ड्राइंग जो है हमारे घर के पैरेलल में चल रही है, हमने कंपास को सीधा रख लिया है। अब हम धीरे धीरे इस कंपास को घुमाएंगे, ये वाटर बैलेंस को बना के रखेंगे और इसको घुमाएंगे, ठीक है। किसको घुमाएंगे, ये कंपास को, तब तक घुमाएंगे जब तक कि ये जो रेड मार्किंग आप देख रहे हैं ये बाहर के डिस्क में बना हुआ एक एरो और अंदर जो ग्रीन कलर का एक एरो है ये सब एक लाइन में नहीं आ जाता। अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए वो रेड मार्किंग, ये जो बाहर के जो डिस्क में जो ये मार्किंग है, एरो पॉइंटर है, ये पॉइंटर प्लस अंदर का जो ग्रीन पॉइंटर है ये सब एक लाइन में आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी नीचे बना हुआ जो नक्शा है उसमें 0 डिग्री नॉर्थ इसी पॉइंट पर आ रहा है, इसी पॉइंट पर आ रहा है, तो हम यहीं पर अपने सेंटर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे। बस ये बहुत सरल तरीके से आपने कंपास के द्वारा अपने घर का नॉर्थ निकाला है। कोई भी चाहे घर क्यों ना हो उसमें कहीं ना कहीं 0 डिग्री नॉर्थ आएगा, तो जिस भी दिशा में जहाँ पे भी 0 डिग्री नॉर्थ आएगा वहीं पे सेंटर से आपको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करनी और वहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ लिखना है। ऐसे आप अपने घर के डिग्री को निकाल सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो कॉम्पास है इसमें मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए। एक मैंने आपको बताया अंदर जो कॉम्पास का जो रीडिंग है जो फ्लोट कर रहा है, दूसरा है बाहर का डेस्क, और तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ वाटर बैलेंस देखना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है ये आईपीस। हम जब भी इससे देखते हैं, कॉम्पास को यूज़ करते हैं एज अ वास्तुशास्त्री, हम इसके थ्रू देखते हैं और अलाइनमेंट को मिलाते हैं। काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कंपास नहीं होगा, या फिर वो इतने कम्पिटेंट नहीं होंगे कि वाटर बैलेंस, अलाइनमेंट, सब चीज़ को मैनेज करते हुए अपने आई लेवल पे रख के इस डिग्री को निकालना। तो मैंने उन लोगों के लिए सरल रूप में एक चीज़ बताई आपको कि बेसिक आप एक तरीके से कंपास रीडिंग निकाल सकते हैं, परंतु एक एक्सपर्ट का निकालना और आपके निकालने में कहीं ना कहीं ज़रूर अंतर रह सकता है। पर अगर आप मेरे को ऐसा एक नक्शा भेजते हैं जिसमें कोई डिग्री नहीं मेंशन की हुई है, तो ये मेरे लिए कागज़ के बराबर ही है। मैं इससे आपको कोई भी चीज नहीं बता सकती, ना आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ, ना आपको कुछ गाइड कर सकती हूँ। तो सिंपल जो मैंने आपको टेक्निक बताई वो वापस से ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले अपने घर का ऑटो कैड नक्शा लेना है, उसको प्रिंट करना है, उसका सेंटर लोकेट करना है, उसी सेंटर पर खड़े होना है। इसी तरीके का कोई एक कंपास लेना है और उसमें खड़े होने के बाद आपको अंदर के डेस्क का अलाइनमेंट नॉर्थ का, बाहर के जो अलाइनमेंट है ये नॉर्थ का, प्लस अंदर जो रेड मार्किंग है नॉर्थ की, ये सबको एक लाइन में अलाइन करना होगा। और वो दीवार के जिस भी पोजीशन पे आता है उस पर मार्किंग कर लीजिए, और वही पोजीशन आपके नक्शे में भी सेंटर से एक लाइन खींच के मार्क कर दीजिए और वही लिख दीजिए 0° नॉर्थ। ये सिंपल रूप में मैंने आपको बताया, आप में से काफ़ी लोग इसको समझ पाए होंगे और ज़रूर अमल भी कर पाएंगे। आपसे फिर मिलेंगे फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।